नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। बात करेंगे अफगानिस्तान संकट की, जहां अफगानिस्तान संकट पर आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से विपक्ष सरकार से अफगानिस्तान को लेकर कई सवाल पूछते हुए हमलावर नजर आ रही थी। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ के हालत लगातार खराब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के हालत पर केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति साफ करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर को अफगानिस्तान के वर्तमान हालात की जानकारी देंगे, जिसमें अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी शामिल है। साथ ही भारत अफगानिस्तान के बदलते रुख के कारण जो वहां स्थिति है उसको लेकर कूटनीतिक क्या रुख अपनाएगी, इस पर भी आज जानकारी देने की संभावना है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये जानकारी भी रखी जाएगी। आपको बता दें कि ये सर्वदलीय बैठक पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया और ये सर्वदलीय बैठक अभी चल रही है। बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसे भी हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।